अगर आप केदारनाथ आने वाले हो या फिर आने का प्लान कर रहे हो एंड केदारनाथ में रुकने के लिए बेस्ट एंड बजट स्टे चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लवली ट्रैवलर। एंड आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ केदारनाथ में बेस्ट एंड बजट में आप कहाँ पर स्टे कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही हेल्पफुल लगे तो इसी तरह के और भी कॉन्टेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही यहाँ की बुकिंग कैसे होती है, यहाँ का बुकिंग कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, जिसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यह है GMVN गरवाल मंडल विकास निगम केदारनाथ का नंदी बेस कैंप, जो मंदिर से 1 किलोमीटर पहले केदारनाथ बेस कैंप में स्थित है। मोस्ट ऑफ होटल्स एंड टेंट्स केदारनाथ में रुकने के लिए यहीं पर बने हुए हैं। और यह है नंदी कॉम्प्लेक्स का ऑफिस। अभी केदारनाथ का मौसम इतना अच्छा हो रखा था, बिल्कुल ही फॉग हर तरफ नजर आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि बादल इस होटल के छत पर मंडरा रहा है। GMVN का यह बेस कैंप अच्छा खासा लार्ज एरिया में फैला हुआ है एंड बीचों बीच इस तरह से रास्ता बना रखा है आने जाने के लिए। एंड वन साइड में टेंट्स हैं एंड अनदर साइड में रूम वाले डॉर्मेट्रीज हैं। यहाँ की बुकिंग 2-3 महीने पहले से ही स्टार्ट हो जाती है, तो आप जब भी केदारनाथ का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले आप यहाँ पे रूम या टेंट बुक कर लेना। मुझे यहाँ की बेस्ट पार्ट यह लगी कि यह जो होटल है थोड़े हाइट पर बना हुआ है, अदरवाइज यहाँ पे जो भी टेंट्स वगैरह थे वो बस ग्राउंड पे घासों के ऊपर टेंट लगा रखा था, तो बारिश के टाइम पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ देखने को मिल रही थी, साथ में सीलन ठंड भी ज़्यादा लग रही थी। बट यहाँ पर इन्होंने मिट्टी डालकर दीवार लगा के थोड़ा हाइट पे बना दिया, साथ ही आने जाने के लिए पत्थर वाला रास्ता भी बना रखा है, तो बारिश के टाइम पे यहाँ पर आपको कीचड़ देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर टेंट्स एंड रूम वाले डॉर्मेट्रीज ही मिलेगी, बट केदारनाथ में GMVN के दूसरे होटल्स हैं जहाँ पर आपको पर्सनल रूम भी मिल जाएगा। यह है इनका 10-बेडेड डॉर्मेट्री रूम जहाँ पर टोटल 10 लोग स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे एक टेबल रखा हुआ है, साथ ही ओढ़ने के लिए आपको रजाई मिल जाता है एंड शायद वॉशरूम भी यहाँ पर आपको पर्सनल मिल जाता है, जो रूम के अंदर ही शायद वो बना हुआ है। एंड मोबाइल चार्ज करने के लिए यहाँ पे एक ही स्विच बोर्ड लगा हुआ है एंड इनकी प्राइस ऑन सीजन में 1100 समथिंग है, बट ऑफ सीजन में 896 के लमसम आ जाता है, तो इनका जो प्राइस है सीजन टू सीजन वेरी करते रहते है। एंड केदारनाथ में रुकने के लिए आपको बहुत ज्यादा हाई फाई होटल्स देखने को नहीं मिलेंगे, मोस्ट ऑफ टेंट्स ही मिलते हैं। एंड पर्सनली मुझे यहाँ पर GMVN के होटल की फैसिलिटी बहुत ही ज्यादा बेटर लगा। तो चलिए अब आपको यहाँ के टेंट्स के अंदर ले चलती हूँ जहाँ पर मैं स्टे कर रखी हूँ। एंड अंदर का हाल कुछ बेहाल हो रखा था बिकॉज अभी डे टाइम था एंड इन लोग अरेंज कर रहे, तो यहाँ पे टोटल 10 मैट्रेसेस मिल जाती है। यहाँ पे भी 10 लोगों के लिए जगह है एंड यहाँ पर ओढ़ने के लिए आपको रजाई या ब्लैंकेट नहीं मिलती है, बल्कि स्लीपिंग बैग दिया जाता है, जो पर्सनली मुझे पसंद नहीं आया, बट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ठंड होती है। सो आप अपने साथ एक चादर जरूर कैरी करें जिसे आप पहले ओढ़ लें एंड फिर स्लीपिंग बैग में जाकर सो जाएं। अगर यहाँ के टेंट की प्राइस की बात करें तो ऑन सीजन में 800 में आ जाता है एंड ऑफ सीजन में 500 समथिंग में आ जाता है। सो GMVN में अगर आप रूम बुक करोगे टेंट वाले, तो यहाँ पर वॉशरूम है एंड यहाँ पर यह जो रूम देख रहे हैं यहाँ पे आपको मॉर्निंग में 50 रुपये के हाफ बकेट गर्म पानी एंड 100 रुपये के फुल बकेट गर्म पानी मिल जाएगा। और बाकी इधर का ये सब वॉशरूम है, वो सब नहाने वाला वॉशरूम है। साथ ही इस होटल का अपना मेस कैंटीन एरिया भी है, तो आप खाना खाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो यहाँ पर भी ऑर्डर कर सकते हैं आपको जो भी खाना हो। इसके अलावा केदारनाथ मंदिर के जस्ट बगल में एक होटल का वीडियो शेयर करूंगी जहां से आप रूम से ही केदारनाथ मंदिर दिखाई देता है। ये वाले जो होटल देख रहे हो इसका चार्ज थोड़ा कॉस्टली है, बट आप चाहो तो यहां पर भी स्टे कर सकते हो। इस वीडियो का लिंक आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ का फोन नंबर एंड GMVN का वेबसाइट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर आप बुक कर सकते हो। तो चलिए अब यहाँ से मैं रिटर्न हो रही थी। सो अगर आपको सोनप्रयाग बद्रीनाथ में या फिर आपको जोशीमठ औली में और भी स्टे देखना है बजट में, तो आपको मेरे चैनल पे वीडियोस देखने को मिल जाएगी।